टीम इंडिया के हेड कोच बनते ही 5 दिग्गज खिलाड़ियों का करियर तबाह करने की फिराक में है गौतम गंभीर। खुद अपने मुंह से कर दिया है दिल दहला देने वाला ऐलान, अब खा जाएंगे अनडिजर्विंग खिलाड़ियों का करियर। उनकी सख्ती देख दंग रह गया है पूरा हिंदुस्तान। T20 विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ियों पर भी नहीं करेंगे गंभीर रहम। तो आखिर कौन है वो 5 खिलाड़ी जिन्हें अब T20 टेस्ट और वनडे तीनों से गंभीर दिखाएंगे बाहर का रास्ता? कौन सा है आपका पसंदीदा खिलाड़ी गंभीर के टारगेट लिस्ट में शामिल, ये जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर, राहुल द्रविड और रवि शास्त्री में कौन सबसे बेस्ट भारतीय कोच है आपकी नज़र में? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद आखिरकार भारतीय टीम को नया हेड कोच मिल गया है। BCCI ने अब तेज तर्रार गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह भारत के हेड कोच बनेंगे। ये बहुत से लोगों के लिए झटका तो है ही, बहुत से फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है। और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि 42 साल के गौतम गंभीर 2007 और 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही उनके मेंटरशिप में KKR ने IPL 2024 का खिताब जीता था। उनकी कप्तानी में कोलकाता 2 बार IPL चैंपियन भी बन चुकी है। यानी कि गौतम गंभीर सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया को अगले 4 साल तक 2027 वनडे विश्व कप तक लीड करने वाले हैं। जी हाँ, BCCI के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर गंभीर को हेड कोच बनाने की घोषणा की है। उन्होंने लिखा, मुझे बेहद खुशी है कि मैं गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेट टीम के एक नए मुख्य कोच के रूप में स्वागत करता हूं। आधुनिक समय में क्रिकेट काफ़ी तेजी से विकसित हुआ है और गौतम गंभीर ने इस बदलते परिदृश्य को काफ़ी नज़दीक से देखा है। अपने पूरे करियर में कई तरह की चुनौतियों का सामना करके अपने रोल को निभाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि गौतम भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श व्यक्ति हैं। इसी के साथ जहां अब करोड़ों हिंदुस्तानी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गंभीर के नेतृत्व में हिंदुस्तान का क्रिकेट नहीं ऊंचाइयों को छुएगा, वर्ल्ड कप और भी बड़ी बड़ी ICC ट्रॉफी जीतेगा, लेकिन इसी बीच अब गौतम गंभीर अपने कठोर फैसले के लिए जाने जाते हैं, ये बात भी हर कोई जानता है। ऐसे में अब जहां वो नए खिलाड़ियों का करियर बनाएंगे तो वहीं पुराने खिलाड़ियों का करियर गंभीर के चलते अब खत्म होने वाला है। और कई छोटे मोटे नहीं बल्कि अब 5 ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें कोई टीम से बात करने की सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, अब गंभीर के निशाने पर सबसे पहले आएंगे सर रविंद्र जडेजा। बता दें कि अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद T20 विश्व कप से रिटायरमेंट ले लिया है। अब वनडे और टेस्ट में उनको गंभीर किस तरह से खिलाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। टेस्ट में तो जडेजा का स्पिनर्स के मुफीद पिचों पर कोई तोड़ नहीं है, टेस्ट तो जड्डू लगातार खेलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन वनडे में उनका रिप्लेसमेंट तैयार करने के लिए गंभीर दूसरे खिलाड़ियों को उनकी जगह ज़्यादा मौका देकर देख सकते हैं और जडेजा को बड़े टूर्नामेंट या बड़ी सीरीज़ के लिए बचाकर रख सकते हैं। तो वहीं नंबर 2 के पायदान पर आते हैं किंग कोहली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भी T20 विश्व कप के बाद T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। गंभीर और कोहली के रिश्ते भी अब अच्छे हो गए हैं। ऐसे में टेस्ट और वनडे में कोहली जी के प्रमुख खिलाड़ी बन सकते हैं। साथ साथ कोहली की बढ़ती उम्र को देख गंभीर उनका रिप्लेसमेंट भी तैयार करने को देख सकते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली कम से कम ज़रूर 2027 वनडे विश्व कप तक देख सकते हैं, लेकिन गंभीर उनकी गलतियों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और केवल अहम सीरीज़ में विराट कोहली खेलेंगे। ज़्यादातर मौक़ों पर वो रेस्ट करेंगे ताकि 2027 तक उन्हें फिट रखा जा सके। तो वहीं तीसरे खिलाड़ी के रूप में नाम आता है ऋषभ पंत का। गौतम ने पहले भी बताया था कि ऋषभ पंत को वाइट बॉल क्रिकेट छोड़कर रेड बॉल क्रिकेट में ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो रेड बॉल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हालांकि T20 विश्व कप में पंत ने दमदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जहां तक गौतम गंभीर के माइंडसेट और उनकी स्ट्रेटजी को देखा जाए तो गौतम ऋषभ पंत को जहां टेस्ट मैच में अपना तुरुप का इक्का बना सकते हैं, तो वहीं T20 और वनडे में वो दूसरे विकल्पों जैसे संजू सैमसन और ईशान किशन पर भरोसा दिखा सकते हैं। फिर उनके बाद नंबर आता है शिवम दुबे का, जिन्हें वैसे भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। उन्हें तुक्का खिलाड़ी माना जाता है और गौतम गंभीर ऐसे खिलाड़ी को कभी भी टीम में मौका नहीं देंगे। और जब रिंकू सिंह जैसे विकल्प उनके पास मौजूद हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रिंकू सिंह को गौतम गंभीर हमेशा शिवम दुबे के ऊपर तवज्जो देने वाले हैं। और ये सही भी है क्योंकि शिवम दुबे मिले मौक़ों पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। उन्हें अभी भी टीम इंडिया के लिए खुद को साबित करना बाकी है। ऐसे में गंभीर के होते हुए उन्हें मौका मिलना और भी मुश्किल है।
तो फिर नंबर आता है मोहम्मद शमी का। जी हाँ, मोहम्मद शमी भी गौतम गंभीर की लिस्ट में होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2027 में वनडे विश्व कप खेला जाने वाला है। ऐसे में गौतम गंभीर मोहम्मद शमी को सिर्फ वनडे फॉर्मेट के लिए तैयार कर सकते हैं। उन्हें T20 और टेस्ट का मैच से बाहर कर संन्यास लेने पर मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि गंभीर के पास टेस्ट और T20 में और भी बहुत सारे गेंदबाजों के विकल्प मौजूद हैं। वहीं मोहम्मद शमी ने हमेशा वनडे में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर क्या टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे विश्व कप में जीत दिला पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।